प्रभु दरबार भक्ति ज्ञान और सेवा का मार्ग। हरिओम हरिओम हरिओम। ओम अजिताय नमः। ओम अपराजिताय नमः। सभी प्रियजनों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम प्रभु दरबार फाउंडेशन में। माँ के भव्य दरबार में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो दर्शकों, हमारा ये लाइव प्रोग्राम है। इस लाइव प्रोग्राम से जुड़ने के लिए अभी आप जो टीवी स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, इन्हीं नंबर पे आपको कॉल करनी है। ग्रह वास्तु स्वास्थ्य संबंधी यदि कोई आपकी समस्या हो तो आप बड़े सरल माध्यम से अपने उपाय फ़ोन के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं और इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। निश्चित रूप से जीवन में परम आनंद की प्राप्ति होती है इस कार्यक्रम से जुड़ने के बाद। देवीय कृपा प्राप्त होती है, अदृश्य शक्तियाँ आप पर विशेष कृपा प्रदान करती हैं। आस्था यदि आपकी प्रबल है तो देव कृपा तो आप पर होनी ही है। परमात्मा सिर्फ आपके भाव को देखते हैं। तो आइए दर्शकों, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। पहले माँ देवी के चरणों में पुष्प अर्पण करेंगे, उसके बाद हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी को पुष्प अर्पण करेंगे और तिलक धारण करके शंखनाद करके आपकी कॉल का सिलसिला इस कार्यक्रम के माध्यम से अवश्य शुरू होगा। तो प्रिय दर्शकों, आइए आप सबकी तरफ से माँ देवी अपराजिता के चरण कमलों में, त्रिलोकी देवी अपराजिता देवी के चरणों में आप सबकी तरफ से प्रेम पूर्वक पुष्पम समर्पयामि। हे देवी माँ, आपके श्री चरण कमलों में पुष्पम समर्पयामि। सब भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो तीन बार प्रिय दर्शकों जय श्री राम बोलिए। अपने घर बैठे यदि आप जय श्री राम बोलेंगे तो आपके द्वारा ये पुष्प हनुमान जी को अवश्य अर्पण होंगे और हनुमान जी अवश्य प्रसन्न रहेंगे। तो हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए आपको हनुमान जी को यदि प्रसन्न करना है तो जय श्री राम तीन बार बोल दीजिए, हनुमान अपने आप ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो बड़े प्रेम से तीन बार बोलिए, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। श्री राम दूत हनुमान जी के चरणों में बड़े प्रेम से पुष्पम समर्पयामि। तो प्रिय दर्शकों, आइए तिलक धारण करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो प्रिय दर्शकों, आइए शंखनाद करते हैं। शंखनाद के समय अपनी टीवी का वॉल्यूम आप ऊंचा कर दिया करें ताकि घर के हर कोने में हर तरफ शंखनाद की ध्वनि गूंजे और सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में शंखनाद से उत्पन्न हो और नकारात्मक ऊर्जा बुरी शक्तियां घर से भाग जाएं। इस कार्यक्रम को आप अपने मोबाइल पर देखना चाहते हैं तो आप फेसबुक पे हमारी आईडी प्रभु दरबार पर जा सकते हैं और फेसबुक पर हमारे पेज प्रभु दरबार पेज पर जाके आप उसको शेयर करें, फॉलो करें। यदि इस कार्यक्रम को आप यूट्यूब चैनल पर देखना चाहते हैं लाइव सुबह और शाम को 4:30 बजे तो हमारे प्रभु दरबार यूट्यूब चैनल पर जाएँ, उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। कपि के वचन स प्रेम सुनी उपजा मन विश्वास जाना मन क्रम वचन जय कृपा सिंधु करदास। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन और कर्म के से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी के दास ही हैं। हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी सजल नयन पुल कावली बाड़ी बूढ़त विरह जल्दी हनुमाना भयो तात मोह
कहू जल जाना। भगवान का जन सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई, नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर गया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा कि हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक प्रिय जन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरु जी, नमस्कार। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में, जल्दी से नाम बताइए बेटा। हाँ जी, मेरा नाम दीपिका है। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? मैं गुजरात बड़ौदा से बात कर रही हूँ। गुजरात से बेटा, अपनी उम्र बताएं बेटा। मेरी उम्र 31 है। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 24। अपनी बेटा माँ का नाम बताएं। ललिता बहन। 3 बार बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय बोलिए बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिए। बेटा घर में सुख शांति नहीं है, बीमारी रोग दिखाई देते हैं बेटा। हाँ जी, हाँ जी, और कुछ ना कुछ बीमारी हर दिन हर समय घर में लगी रहती होगी, कोई ना कोई बीमार अवश्य चलता होगा बेटा, घर में कुछ ना कुछ बीमारी बेटा लगी रहती है। हाँ जी, हाँ जी गुरु जी, सच है। दूसरा बेटा आपके कुछ विवाह में अड़चन भी दिखाई दे रही है। हाँ हाँ गुरु जी, सच कहा। विवाह के कार्य बनते बनते बिगड़ जाएंगे, अच्छे अच्छे बेटा योग हाथ से निकल जाएंगे। घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव ज्यादा है, मंगल और राहु का दुष्प्रभाव है, पितृ दोष है, जिसके कारण बेटा आपके घर में बीमारी निकलती नहीं है और बेटा आपके विवाह में थोड़ी अड़चन आ रही है। आपका जो शुक्र है वो बेटा परम नीच अवस्था में है। एक तो बेटा बेटे मंगल और राहु की विशेष शांति करवाएं। आप लोगों को करना क्या है कि हर मंगलवार को बेटा घर में गुड़ डालकर मीठे चावल बनाया करो, 3 हिस्से किया करो बेटा। एक तो मंदिर में हनुमान जी को भोग लगाएं, दूसरा गाय को दें और तीसरा परिवार में सबको खिलाएं। इसके अलावा बेटा आपको मंगलवार से 43 दिन लगातार माथे पर रूली का रक्त चंदन का तिलक लगाना है। और बेटा एक बात का ध्यान रखना, पंसारी की दुकान पे चले जाना, वहाँ पर आपको थोड़ी खैर की औषधि यानी खैर की समिधा, ये लकड़ी होती है बेटा, वो प्राप्त हो जाएगी। खैर की समिधा लेके आनी है, रात के समय थोड़ा सा टुकड़ा बेटा जल में डाल के रख दिया करो और सुबह उस जल से आप स्नान कर लिया करो। बल्कि परिवार के सभी लोग इस प्रकार से ये कार्य करना चाहिए सबको। और किसी भी एक बुधवार के दिन बेटा 1 मीटर नीला कपड़ा, 4 सूखे नारियल, 800 ग्राम बेटा जौ, 800 ग्राम रांगा धातु, देखने वाला एक चौरस शीशा, 800 ग्राम कच्चा कोयला, ये सभी सामग्रियाँ परिवार के सभी लोग अपना हाथ लगाकर पूरे घर में घुमाकर उसको जाके जल में विसर्जन कर दें। बेटा घर में एक सुबह पराठा रोज बनाया करो, नमक चीनी घी डालकर कौओं के लिए, ये आपने अवश्य करना है। इसके अलावा बेटा आपने दिन में एक बार हल्दी वाला दूध अवश्य सेवन करना है। हर गुरुवार को छोटे गरीब बच्चों को बेटा केले दान किया करो,
शुद्ध पीतांबरी पुखराज रतन आपको अपने कंठ में धारण करना है और थोड़ी पितृ दोष की बेटा शांति और मंगल राहु अंगारक दोष की आपको शांति करनी है, जिससे परिवार में सुख समृद्धि आएगी। गुरुवार के दिन बेटा आपने ना तो सिर पे साबुन शैम्पू का लगाना है, ना घर में कपड़े धोने। गुरुवार को पीत वस्त्र, पीले वस्त्र पहनकर केले के वृक्ष पर पीतल के बर्तन से बेटा जल देके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का पाठ किया करो। आपके सभी कार्य बेटा सिद्ध हो जाएंगे। इसी वर्ष आपके बेटा विवाह का कार्य संपन्न हो, घर से बीमारियाँ दूर चली जाएँ, ऐसी बेटा मैं आपको विशेष आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। बेटा बड़े प्रेम से तीन बार हरिओम बोलो। हरिओम हरिओम हरिओम। कल्याण हो। प्रिय दर्शकों, तुरंत आप भी हमें अभी इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए कॉल कर सकते हैं, हम आपकी कॉल अवश्य इस कार्यक्रम से जोड़ेंगे। अब कहूँ कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। कोम लचित कृपाल रघुराई, केपी के ही हितु धरी निठुराई। मैं बलिहारी जाती हूँ, जब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित खर के शत्रु सुखधाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी को कोमल हृदय और कृपाल हैं। श्री नाथ श्री राम जी रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं, फिर हे हनुमान उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर रखी है। सहज बानी सेवक सुखदायक, कब हुंक सुरती करत सुख नायक। कब हूँ नयन मम शीतल ताता, होई हही निरखी श्याम मृदु गाता। सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक बाण है, वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं। हे तात, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे शीत नेत्र जो हैं क्या वो शीतल हो पाएंगे। आइए दर्शकों कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। आपका बेटा स्वागत है कार्यक्रम में, जल्दी से नाम बता दीजिए। गुरुजी मेरा नाम सुमन है, मैं हिमाचल प्रदेश से बात कर रही हूँ। अपनी बेटा उम्र बताएं। उम्र मेरी गुरुजी है 33। एक से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 28। अपनी बेटा माँ का नाम बताएं। बेटा एक बार फिर से बोलिए। श्रीमती दासी जी। तीन बार ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिए। बेटा आवाज आ रही है आपको? जी जी गुरुजी। जीवन में बेटा काफी संघर्ष कर रहे हो, पढ़े लिखे हो, लेकिन बेटा भाग्य साथ नहीं देता। शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करते हो बेटा। जी गुरुजी। लेकिन बेटा अभी नौकरी को लेकर कार्य को लेकर चिंता दिखाई दे रही है। नौकरी बेटा या तो चली गई होगी या मिली नहीं होगी बेटा, ऐसा हुआ है बेटा? हाँ जी गुरुजी। कुछ बेटा सरकारी नौकरी का क्यों नहीं प्रयास करते आप?
प्रयास करो बेटा, आज आप पर बड़ी विशेष कृपा हो रही है। देवी अपराजिता की बड़ी विशेष कृपा है बेटा आपके ऊपर। बहुत जल्दी प्रयास करना बेटा, सरकारी पद आपको अवश्य प्राप्त हो जाएगा। रोजाना बेटा मस्तक पर केसर और लाल चंदन मिला के उसका माथे पर तिलक लगाया करो। 16 रविवार मंदिर में 400 ग्राम गेहूं 400 ग्राम गुड़ का आपको दान करना है। जब 16 गुरुवार हो जाएं तो 16वें गुरुवार किसी बेटा संत को, किसी साधु संत को 5.5 मीटर लाल कपड़ा, कुछ मिष्ठान दक्षिणा और बेटा कुछ हो सके तो उसको भोजन भी खिला देना। ये उपाय आपको करना है। रोजाना बेटा सूर्य को जल दिया करो और माथे पर केसर का तिलक लगाया करो। इसके अलावा बेटा एक बात का बड़ा विशेष ध्यान रखना, आपको एक विशेष उपाय करना है। आपको बेल का पेड़ ढूंढना है बेटा। हर रविवार को एक बेल का फल तोड़कर कहीं से ले आओ या कहीं से मंगवा लो। आपने बेल के फल को बेटा गंगाजल कच्चे दूध से धोकर रोली लगाकर और कुछ बेल पत्रों पर रोली लगाकर रविवार की रविवार बेटा ये शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू कर दीजिए। 5.25 रत्ती बेटा शुद्ध रूबी रतन आपको कंठ में लाल रंग के धागे में बेटा धारण करना है। कभी भी तामसिक भोजन नॉनवेज नहीं खाना, घर में शराब की बोतल नहीं रखना। वर्ष में एक बार किसी गरीब व्यक्ति को शनिवार के दिन अपने साइज के बेटा चमड़े के जूते दान कर देना, इससे कल्याण होगा। आपको बेटा सूर्य पर और चंद्रमा दोनों पर पितृ दोष है, योग्य विद्वान से बेटा इसकी शांति करवाएं और अगर हो सके तो सोमवार के दिन नमक खाना आप त्याग दीजिए। ये उपाय करते ही जीवन में नया भाग्य का उदय होगा, सूर्य आपका जगमग होगा और आपको बेटा कार्य सिद्धि मिल जाएगी। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरिओम बोलिए। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा कल्याण हो। बचनू ना आव नयन भरे बारी, आहा नाथ हो निपट विसारी। देखी परम विरह कुल सीता, बोला कपि मृदु वजन विनीता। वचन वनीता, मुंह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में विरह के आंसुओं का जल भर आया। बड़े दुख से वे बोली, हो हे नाथ आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता को विरह के परम विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले, मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुकृपा निकेता। जनी जननी मना जिये ऊना, तुम्हाते प्रेमु राम के दूना। हे माता सुंदर कृपा के धाम, प्रभु भाई लक्ष्मण के शरीर से वो शरीर से बिल्कुल कुशल हैं, पूरी तरह से कुशल हैं, परंतु आपके दुख से वो बहुत दुखी हैं। हे माता मन में गलानी ना मानिए, मन छोटा करके दुख ना अपने आप को दीजिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दुगना प्रेम है। रघुपति कर संदेशु अब, सुनु जननी धीर धीर। अस कही कपि गद गद, भयउ भरे विलोचन नीर। हे माता अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए, उनके नेत्रों में प्रेम अश्रु का जल भर आया। केहु राम वियोग तब सीता, मो कहूँ सकल भय विपरीता। नव तरु किस लय मनहु, कृसानु काल निशा सम निसी शशि भानु। हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान और चंद्रमा सूर्य के समान हो गया है। आइए दर्शकों कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम हरिओम। बेटा आपका कल्याण हो, इस कार्यक्रम में स्वागत है। बेटा जल्दी से नाम बताओ। नवीन कुमार। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? मैं मोतिहारी से बात कर रहा हूँ गुरुजी, बिहार से। अपनी बेटा उम्र बताएं। उम्र मेरी 36 वर्ष है। अपनी माँ का नाम बताएं। माँ का नाम कामनी देवी। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 6 6।
तीन बार ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिए। क्षमता से परिपूर्ण गुणी और गुणवान व्यक्ति हो, लेकिन आपको भी बेटा अपनी मेहनत के हिसाब से फल, पद, धन, प्रतिष्ठा नहीं मिल रही है। सोचते हो तो बेटा बहुत बड़ा बड़ा हो, लेकिन उतने आपके काम बनते नहीं हैं। घर में, जीवन में पैसे की वृद्धि, बरकत और स्थिरता बिल्कुल भी नहीं है बेटा। जीवन में बेटा संघर्ष चल रहा है, घर में पैसे की बरकत नहीं होती बेटा। कुछ बेटा क्या कुछ फंक्शन करते हो या कुछ मैनेजमेंट का या कुछ इवेंट का काम करते हो बेटा? जी जी, इवेंट का काम करते हैं। क्या नाम है बेटा आपकी कंपनी का? मेरी कंपनी का नाम है इकबंस। आपके साथ क्या कोई दूसरा व्यक्ति भी आपके साथ कार्य करता है? हाँ जी, हाँ जी, गुरु जी। कितने वर्ष से कार्य कर रहे हो? अभी तकरीबन 4 साल हो गए गुरु जी। और बेटा इसी कार्य में आपको सफल होना है, इस बात को तो बेटा आप समझ लीजिए अच्छी तरह से। शुक्र से संबंधित कार्य करते हो, शुक्र आपका निर्बल है। एक तो किसी भी एक बुधवार के दिन किसी किन्नर को एक आपको हरी साड़ी दान करके उसका आशीर्वाद प्राप्त करना है। वर्ष में एक बार बेटा किन्नर को अपने घर पर बुलाया करो, उसको बेटा कुछ भोजन और कुछ हरी, बड़ी सुंदर सी हरी साड़ी और कुछ दक्षिणा अपने हाथ से दान किया करो। और राह चलते भी यदि कभी आपको कोई किन्नर दिखाई दे जाए तो जेब में हाथ डालना, जोन सा भी बेटा पैसा, नोट, रुपया जेब से निकल आए बिना देखे, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, वो उसको दे देना बेटा। उसकी कभी लालच कोई परवाह मत करना। भाग्य चमकेगा। बुधवार के बुधवार बेटा साबुत गीले मूंग या उबले हुए मूंग कबूतरों को बेटा पक्षियों को रोज डालने हैं। 5.25 रत्ती का शुद्ध पन्ना रतन आपको बेटा कंठ में धारण करना है। शुक्रवार से 43 दिन लगातार अपने माथे पर बेटा दही का तिलक लगाना। किसी भी शुक्रवार के दिन आपको एक चांदी का चकोर टुकड़ा बनवाकर उस पर बेटा आपको ओम शुक्राय नमः लिखवाना है और गंगा जल कच्चे दूध से धो के उसको कहीं बहते पानी में, शुद्ध साफ नदी में प्रवाह कर देना। ये उपाय आपको करने हैं। रोजाना बेटा आपको 7 प्रकार का अनाज पक्षियों को खिलाना है। ग्रहों के अंदर आपको बेटा शुक्र और राहु की थोड़ी विशेष शांति करवानी है, जिससे रास्ते नए मिलेंगे, भाग्य को बेटा बल मिलेगा, काम बनने शुरू हो जाएंगे, नए नए अवसर, नए नए इवेंट का काम आपको मिलना शुरू हो जाएगा, राजनीतिक क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोलिए। हरिओम, हरिओम, हरिओम। सदा कल्याण। कुबलय विपिन कुंत बन सरिसा, बारिद तपत तेल जनु बरिसा, जे हित रहे करत ते पीरा, उरग स्वास सम त्रिविद समीरा। और कमलों के वन भालों के समान हो गए हैं, मेघ मानो खोलता हुआ तेल बरसा रहे हैं, जो हित करने वाले थे वो ही अब पीड़ा देने लग गए हैं। त्रिविद शीतल मंद सुगंध वायु सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। केहूं ते कछु दुख घटी हुई, काही कहूं यह जान न कोई, तत्व प्रेम कर मम अतु तोरा, जानत प्रिया एकु मनु मोरा।
मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूँ किससे, यह दुख कोई जानता ही नहीं है। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व रहस्य एक मेरा मन ही जानता है। सो मनु सदा रहत तो ही पासी, तो जानू प्रीति ससु एत नेही मासी माही। प्रभु संदेशु सुनत वह देही, मगन प्रेम तन सुधी नहीं तेही। और वह मन सदा तेरे पास ही रहता है, बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ लो। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मगन हो गई, उन्हें शरीर की सुध भी ना रही। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरु। बेटा आपका कल्याण हो। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? बस सिवनी से। है बेटा? गुरु जी सिवनी से बात कर रहे हैं। अपनी अपना बेटा नाम बताएं। रश्मि साहू। अपनी उम्र बताइए बेटा। 26 साल। एक से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलो। 9। अपनी बेटा माँ का नाम बोलिए। दुलारी साहू। तीन बार बेटा बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? जी जी गुरुजी। कुछ बेटा सरकारी नौकरी का अभी प्रयास कर रहे हो? जी। काम बेटा आपका बनेगा, लेकिन कुछ बाधा भी साथ में दिखाई देती है। सूर्य और शुक्र बेटा थोड़ा पीड़ित हैं आपके, जिसके कारण सरकारी पद और विवाह दोनों में कुछ अड़चन दिखाई देती है। एक तो बेटा रोजाना बेटा सूर्य की पूजा, सूर्य के दर्शन, सूर्य को जल देना शुरू कर दीजिए। रोजाना गाय को रोटी पर गुड़ रखकर नियमित रूप से देना है। वर्ष में एक बार अपने वजन के बराबर गुड़ रविवार के दिन गौशाला में आपको दान करना है। रविवार से 43 दिन लगातार माथे पर रक्त चंदन का तिलक लगाना है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बेटा सूर्यकांत मणि रत्न, रूबी रत्न आपको लाल रंग के धागे में अपने कंठ में धारण करना है। और वर्ष में एक बार बेटा किसी अंधे व्यक्ति को, अंधे ब्राह्मण को भोजन देना है। और काली गाय को शुक्रवार के शुक्रवार थोड़ी पालक और हरा चारा बेटा कुछ अवश्य खिला दिया करो। ग्रहों के अंदर बेटा थोड़ी राहु और शुक्र की शांति योग्य विद्वान से अवश्य करवाएं। हो सके तो शुक्रवार को बेटा दुर्गा जी के मंदिर में चले जाया करो। थोड़ी सी बेटा मिश्री भी दान कर दिया करो। ये उपाय करना, नॉनवेज तामसिक भोजन का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना। और इस वर्ष बहुत जल्दी बेटा आपके दोनों कार्य से धोने वाले हैं। बहुत बहुत आपको बेटा मेरी तरफ से शुभकामनाएं। कहे कपि हृदय धीर धरु माता, सुमिरु राम सेवक सुखदाता, उर आनहु रघुपति प्रभुताई, सुनी मम वचन तजहु कदराई। हनुमान जी ने कहा कि हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता को छोड़ दो। निसीचर निकर पतंग सम
रघुपति बान कृषानु जननी हृदयम धीर धरु जरे निसाचर जानू, राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान हैं। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो, वो तो अब जलने ही वाले हैं, उन्हें अब कोई नहीं बचा पाएगा। जौ रघुबीर होती सुधि पाई, करते नहीं विलंबु रघुराई, राम बाण रवि उन्हें उए जान की, तम बरुत कहें जातु धान की। श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो वे विलंब ना करते। हे जानकी जी, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार, राक्षसों रूपी सेना का अंधकार कहाँ रह सकता है? आप इस बात को समझिए और धीरज धरिए, सभी प्रकार की चिंता भय को मन से निकाल दीजिए। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है, थोड़ा ऊंचा बोलिए बेटा, अपना नाम बताएं। हरिओम। हरिओम गुरुजी, मेरा नाम गुड़िया कुमारी है। कहाँ से बात कर रहे हो पूजा बेटा? मैं बस गुड़िया कुमारी, मेरा नाम है गुड़िया। हाँ गुड़िया कुमारी जी। गुड़िया कुमारी जी, कहाँ से बोल रहे हो आप? वैशाली जिला बिहार से जी। कार्यक्रम कब से देखते हो बेटा? बोलिए बेटा, कार्यक्रम कब से देखते हैं? मैं कार्यक्रम देखती हूँ यही साल भर से। जी अपनी बेटा उम्र बताएं। मेरी 24 साल उम्र है। एक से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 10। अपनी बेटा माँ का नाम बताएं बेटा। देवी। तीन बार ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा। बेटा कुछ संतान को लेकर चिंता दिखाई दे रही है बेटा। हाँ, 3-4 वर्ष तो बेटा विवाह को हो गए होंगे आपके। हाँ 4 वर्ष हो गए। अभी तक संतान का सुख नहीं मिला बेटा? नहीं। आप एक बेटा एक काम करना बेटा, पंसारी की दुकान पे जाइए और वहाँ से बेटा थोड़ी आपको पीपल की समिधा लेकर आनी है। पीपल की समिधा बेटा नित्य दिन थोड़ा रात को जल में डाल के रखा करो और सुबह अगले दिन उस जल से आपको स्नान करना है। 41 दिन रविवार से लगातार सूर्य देवता को रोज जल देना है। उस जल के अंदर 8 लाल मिर्च के बीज और 1 गुलाब का फूल डालकर सूर्य देवता को अर्पण करके हाथ जोड़कर बेटा सूर्य देवता से संतान प्राप्ति की प्रार्थना करनी है। सूर्य ग्रहों के राजा हैं, पितृ तुल्य ग्रह हैं और संतान देने वाले ग्रह हैं, पुत्र देने वाले ग्रह हैं, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। जब 41 दिन हो जाएं तो 41वें दिन किसी वृद्ध ब्राह्मण को लाल वस्त्र, गुड़, लाल चंदन, कुछ दक्षिणा और बेटा कुछ भोजन दान कर देना, गेहूं भी दान कर सकते हो। और बेटा आपको एक शुद्ध पुखराज और रूबी रतन अपने कंठ में धारण करना है।
16 गुरुवार बेटा 400 ग्राम चने की दाल, 4 केले ये मंदिर में दान करना, और थोड़ी बेटा भारंगी की मूल कहीं से आपको प्राप्त करनी है गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन या शुक्ल पक्ष के दूसरे गुरुवार को। भारंगी की मूल गंगा जल कच्चे दूध से धोकर किसी बेटा शुद्ध ताबीज में डलवाकर लाल रंग के धागे में अपनी कमर से बांध लेना, आपकी ये मनोकामना अवश्य पूरी होगी। रविवार और गुरुवार को सिर पे साबुन शैम्पू नहीं लगाना, घर में कपड़े नहीं धोने और काले नीले सलेटी रंग के कपड़े पहनना बिल्कुल बंद कर दो। 3 पराठे बेटा घर में रोज बनाने, नमक चीनी और घी डालकर, 1 गाय के लिए, 1 कुत्ते के लिए, 1 कौवे के लिए, ये अपना नियम बना लो। आप बेटा नियम से उपाय करना और थोड़ा सा बेटा पितरों की शांति योग्य विद्वान से करवा लेना, कार्य आपके बेटा सिद्ध हो जाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब ही मातू मैं जाऊं लवाई, प्रभु आयुष नहीं राम दुहाई, कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिहा सहित आई हई रघुबीरा। हे माता मैं आपको अभी यहाँ से लिवा जाऊं ले जाऊं, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है मुझे प्रभु की आज्ञा, प्रभु की आज्ञा नहीं है। अंत हे माता कुछ दिन और धीरज रखो, श्री रामचंद्र जी वानरों सहित यहाँ उपस्थित हो जाएंगे। निसीचर मारी तो ही ले जही, तिहूं पुर नारददी जसु गही, हे सुत कपि सब तुम ही समाना, जातु धान अति भट बलवाना। और राक्षसों को मारकर आपको वो ले जाएंगे, नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गाएंगे। सीता जी ने कहा कि हे पुत्र सब वानर तुम्हारे ही समान नन्ने नन्ने से होंगे, राक्षस तो बड़े बलवान हैं, बड़े योद्धा हैं। मोरे हृदय परम संदेहा, सुनी कपि प्रगट किन्हीं निज देहा, कनक भूधाराकार शरीरा, समर भयंकर अतिबल वीरा। अंत मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीतेंगे। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया, सोने के पर्वत सुमेरु के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था, और जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला था, अत्यंत बलवान वह हनुमान वीर था। आइए दर्शकों कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम बेटा, आपका स्वागत है बेटा, आवाज सुन पा रहे हो मेरी? हेलो, हाँ जी हाँ जी। बेटा आपका स्वागत है, जल्दी से नाम बताइए। लगता टीवी है पर नहीं आ रहा। ये बहन जी लगता है टीवी पर देख रही हैं, और इनको कई बार समझा चुका हूँ ये लाइव प्रोग्राम है, यहाँ से प्रसारण और टीवी के प्रसारण में कुछ समय का अंतर रहता है, तो आप फ़ोन तो डायरेक्ट बात कर रहे हैं लेकिन प्रसारण कुछ सेकंडों के बाद होता है, इसलिए आपकी बात कुछ समझ में नहीं आती। तो इसलिए दर्शकों जब भी आपकी कॉल टीवी पर लगती है तो टीवी को सबसे पहले बंद कर दीजिए या दूसरे कहीं स्थान पर जाकर आप मुझसे बात कर सकते हैं। सीता मन भरोस तब भयो, पुनी लघु रूप पवन सुत लयो। तब उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास हुआ, हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। सुनु माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुड़ ही खाई परम लघु व्याल। हे माता सुनो, वानरों में मैं बहुत बल बुद्धि नहीं होती, जो वानर होते हैं उनमें बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है, अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। मन संतोष सुनत कपि बानी, भगति प्रताप तेज बल सानी, आशीष दीन ही राम प्रिय जाना, हो तात बल सील
निधाना, भक्ति प्रताप तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील के निधान हो जाओ। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम बेटा, आपका स्वागत है कार्यक्रम में, जल्दी से नाम बताएं। लक्ष्मीनारायण मजुमदार। बेटा कहाँ से बात कर रहे हैं बेटा? आसाम हुजाई से। अपनी बेटा उम्र बताएं। 48 रानी। एक से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 16। अपनी माँ का नाम बताइए बेटा। कृष्णा मजुमदार। तीन बार ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? हाँ। पैसे की बेटा काफी दिक्कत चल रही है, कहीं बेटा पैसा फंसा हुआ है, डूबा हुआ है बेटा। हाँ। किसी को बेटा पैसा दिया था बेटा, पैसा वापस नहीं आया। हाँ। कितने बेटा, कितने पैसे डूबे हुए हैं बेटा आपके? हरिओम बेटा, पैसे कितने फंसे हुए हैं आपके? हाँ। हेलो। हाँ बेटा, आपके कितने पैसे फंसे हुए हैं? 12 लाख रुपया। ठीक है बेटा, बेटा ऐसी बात नहीं है, आप चिंता ना करें, आप चिंता ज्यादा ले रहे हैं, लेकिन पैसा पैसा बेटा आपका अवश्य वापस आ जाएगा। थोड़ा सा बेटा आपको धन के स्थान पर केतु का प्रभाव दिखाई देता है। एक तो बेटा रोजाना कुत्ते को थोड़ा दूध पिलाना शुरू कर दीजिए। दूसरा बेटा, घर के वायव्य कोण में, उत्तर पश्चिम कोण में बुधवार के दिन बेटा एक काले रंग का झंडा आपको स्थापित करना है। बाजार से बेटा आपको पंसारी की दुकान से थोड़ा अपा मार्ग की औषधि समिधा प्राप्त करके आनी है, प्राप्त करनी है। रात के समय थोड़ी समिधा का टुकड़ा बेटा जल में डाल के रखना है और अगले दिन सुबह उस जल से स्नान करना है। 5.25 रत्ती का बेटा शुद्ध पन्ना रतन धारण कर लेना और आपको विशाखा नक्षत्र में थोड़ी बेटा जामुन की छाल और लाल रंग का फिटकड़ी का टुकड़ा बेटा कहीं से प्राप्त करना है। जामुन के पेड़ से जामुन की छाल ले आना, लेकिन ध्यान रखना विशाखा नक्षत्र वाले दिन ही लाना, और पंसारी की दुकान से बेटा लाल रंग की फिटकड़ी लेके आना। दोनों को गंगा जल कच्चे दूध से धोकर लाल कपड़े में लपेट कर, चमकदार लाल रंग का कपड़ा रखना है, उसको उसमें लपेट कर बेटा घर के धन स्थान पर रखना। इससे रुका हुआ पैसा बेटा घर में अवश्य आता है। ये नियम बेटा आप अवश्य जरूर करना। और एक बेटा आपको कमल गट्टे की माला लाल कपड़े में बांध कर बेटा सिंदूर और रोली का तिलक लगाकर अपने घर में पूजा के स्थान पर रखना है, जिससे आपके घर में लक्ष्मी की स्थिरता आएगी, रुका हुआ धन भी अवश्य आएगा। बहुत बहुत बेटा शुभकामनाएं। अजर अमर गुण निधि सुत हूँ, करहूँ बहुत रघुनायक छूँ, करहूँ कृपा प्रभु अस सुनी काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना।
हे पुत्र, तुम अजर बुढ़ापे से रहित अमर और गुणों के खजाने हो और ये हो जाओगे, ये मेरा आशीर्वाद है। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत बड़ी कृपा करें, प्रभु कृपा करें, ऐसा कानों में सुनते ही हनुमान जी पूर्ण रूप से प्रेम से मग्न हो गए। बार बार नायसी पद सीसा, बोला वचन जोरी कर कीसा, अब कृत्य कृत्य भयों हे माता। आशीष तव अमोद विख्याता, हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़ कर कहा कि हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया, आपका आशीर्वाद अमोघ और अचूक है, यह बात प्रसिद्ध है, इस बात में ज़रा भी संदेह नहीं है, जो आपने अब बोल दिया वह तो सत्य सिद्ध हो ही जाएगा। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएँ, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में, जल्दी से नाम बताइए। जी गुरुजी प्रणाम। जी अशोक यादव गुरुजी बात कर रहे, जिला टीकू में मध्य प्रदेश से। अशोक यादव बेटा अपनी उम्र बताएं। 29 साल। 1 से लेके 36 के बीच में। बेटा एक नंबर बोलिए। 12 गुरु। अपनी बेटा माँ का नाम बोलिए। श्रीमती अखिलेश देवी गुरु। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। बेटा बहुत सी जीवन में बाधाएं चल रही हैं, हताशा निराशा ने आपको चारों तरफ से घेर रखा है, कोई भी कार्य बेटा आपके विशेष रूप से सिद्ध नहीं होते, धन की बरकत नहीं होती, दुर्भाग्य बेटा आपके साथ खड़ा हुआ है। ये बताओ बेटा, मेहनत प्रयास का फल नहीं मिलता, घर में धन की बरकत नहीं होती बेटा? लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, भाग्य उदय होगा, माँ देवी और हनुमान जी की कृपा आप पर अवश्य होगी। अब आपको बेटा करना क्या है, 5 शुक्रवार मंदिर में थोड़े से जायफल और थोड़ी छोटी इलायची, ये बेटा किसी सफ़ेद रंग के नए रुमाल में बांध कर, इत्र लगा कर, 11 रुपये की दक्षिणा बांध कर मंदिर में जाके बेटा दुर्गा जी को चढ़ा देना। और बेटा 16 शनिवार साबुत पान के पत्ते का पान बनवाकर मंदिर में जाके हनुमान जी को चढ़ाना है, और साथ में एक पानी वाला नारियल मोली बांध कर रोली का तिलक लगा के हनुमान जी के चरणों में चढ़ाएं, और हनुमान जी के सीधे पांव का सिंदूर बेटा आपने अपने माथे पर अवश्य लगा के लाना है। इसके अलावा सुबह रोज बेटा थोड़ा तिल स्नान किया करो, जब जल में सुबह बेटा आप जल से नहाते हो तो जल में थोड़े से काले तिल अवश्य डाल दिया करो। इसके अलावा बेटा आपको थोड़ी सी गूलर की समिधा लानी है, रात के समय थोड़ी समिधा जल में डाल दिया करो, सुबह आपको उस जल से स्नान करना है, आपका पूर्ण रूप से भाग्य उदय होगा, शुक्र आपका बेटा पॉजिटिव होगा और आपको धन की प्राप्ति होगी। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बेटा आपको एक पन्ना रतन अवश्य धारण करना है, और एक बेटा चांदी का छल्ला बनवा के शुक्रवार के दिन गंगा जल कच्चे दूध से धारण कर लेना बेटा अनामिका उंगली में। वर्ष में एक बार किसी अंधे व्यक्ति को, अंधे ब्राह्मण को भोजन, और बेटा हर शुक्रवार को काली गाय को हरा चारा खिलाना शुरू कर दीजिए, आपका भाग्य उदय बस बेटा होने ही वाला है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।
सुनहु मातु मोही अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा। सुनु सुत करहीं विपिन रखवारी, परम सुभट रजनीचर भारी। हे माता सुनो, सुंदर फल वाले वृक्ष को देखकर मुझे बहुत ही भूख लग गई है। सीता जी ने कहा कि हे बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। तिन्हा कर भय माता मोही नाही, जो तुम्हां सुख मनाहू मन माही। हे माता, यदि आप मन में सुख माने, प्रसन्न होकर आज्ञा दें, तो मुझे उनका भय तो बिल्कुल भी नहीं। देखी बुद्धि बल निपुण कपि, कहूँ जानकी जाहूँ। रघुपति चरण हृदय धरि तात, मधुर फल खाहूँ। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा कि जाओ हे तात, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके आप जाओ, मीठे फल का आनंद लो और भरपेट फल खाओ। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम बेटा, आपको आवाज आ रही है मेरी? प्रिय दर्शकों, जब भी आपकी कॉल इस कार्यक्रम से लगे तो कृपया करके कान पर फोन लगा कर रखें, और यदि इस कार्यक्रम को आप अपने मोबाइल पर देखना चाहते हैं तो आप अभी हमारी फेसबुक आईडी प्रभु दरबार पर जा सकते हैं, और इसके अलावा हमारे पेज है प्रभु दरबार, तो आप फेसबुक पर हमारा पेज भी लाइक करके फॉलो करके आप उसको फॉलो कर सकते हैं, और आप उस पर रोज़ाना ये लाइव कार्यक्रम देख सकते हैं। और यदि YouTube चैनल पर इस कार्यक्रम को लाइव देखना चाहते हैं तो सुबह और शाम को 4:30 बजे हमारे प्रभु दरबार YouTube चैनल पर आप इस कार्यक्रम को लाइव देख सकते हैं। बहुत से लोग आपको भाग्य दर्पण के नाम से, प्रभु दरबार के नाम से या मेरा नाम से आपको कुछ लोग कॉल भी करते हैं जो गुरु जी बनकर आपसे बात करते हैं, तो ऐसे दुष्टों से आपको सावधान रहना है। तो टीवी पर जो नंबर आप देख रहे हैं, इन्हीं नंबर पर आपको जो है कार्य करना है, और आपको सफलता प्राप्त करनी है, और आपको जीवन में सुख की प्राप्ति करनी है। तो प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, और इस कार्यक्रम में आपको एक मैं जानकारी और भी दे दूं, यदि बहुत से लोग टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी लेना चाहते हैं तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेने के लिए आप जो नंबर टीवी पर देख रहे हैं इन्हीं नंबर पर आपको कॉल करनी है। आई दर्शकों, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरु जी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में, जल्दी से नाम बताइए बेटा। शैली सिंगल। कहाँ से बोल रहे हो बेटा? मेरठ से। जी बेटा, अपनी उम्र बताएं मुझे। 38। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। 6। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। कृष्णा। 3 बार बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय बोलिए बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा। बेटा लंबा समय हो गया है बेटा आपके विवाह को, लेकिन अभी तक बेटा संतान का सुख नहीं मिला आपको। जी। लेकिन अब एक बेटा बहुत ही आपको दिल प्रसन्न करने वाली आपको बेटा एक मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि अब शनि और बृहस्पति बेटा दोनों आपके बड़ा ही सकारात्मक अवस्था में हैं। बहुत जल्दी बेटा अब आपको संतान का सुख मिलने वाला है। पितृ देवता तो बेटा आपके प्रसन्न दिखाई देते हैं, लेकिन थोड़ी बेटा आप जिस घर में रहते हो वहाँ पर कुछ नकारात्मक ऊर्जा और कुछ तंत्र बाधा का प्रभाव है, जिसके कारण बेटा कुछ संतान में अड़चन है। आज जो उपाय दे रहा
रहा हूँ, उसको बेटा बड़े सरल माध्यम से कर लेना, अति शीघ्र आपकी बेटा मनोकामना पूरी होगी। फिर बेटा मिठाई लेके भी आना है आपको मेरे पास। जी जी बिल्कुल गुरु जी आएंगे। एक बार बेटा मुझे अपने पति का भी नाम बताओ। तीन बार बेटा फिर से ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा आपको शुद्ध पीतांबरी पुखराज बेटा पीले रंग के धागे में गुरु पुष्य योग में या शुक्ल पक्ष के दूसरे गुरुवार को धारण करना है। आपके पति ने बेटा शुद्ध सूर्यकांत मणि रत्न धारण करना है। आने वाले गुरुवार को पीतल के एक नए कलश में बेटा चने की दाल भर के पीतल का ढक्कन लगाकर उस कलश पर बेटा केसर से स्वास्तिक बनाना है और पीले चमकदार वस्त्र पर अपने घर के पूजा के स्थान पर उसको स्थापित कर देना और एक दीपक जला के बेटा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः उस मंत्र का पाठ करते हुए बाल गोपाल कृष्ण जी का ध्यान आपको नित्यदिन करना है। और बेटा गुरुवार के गुरुवार केले छोटे गरीब बच्चों को बांटना शुरू कर दीजिए। रोजाना दिन में पति पत्नी दोनों ने एक बार केसर का बेटा दूध अवश्य पीना है। और थोड़ी तंत्र बाधा के लिए बेटा अभी इस कार्यक्रम के उपरांत आपको एक गुप्त टोटका दिया जाएगा, वो अवश्य कर लेना, कार्य सिद्ध होगा। बड़े प्रेम से बेटा तीन बार हरिओम बोलो बेटा। गुरु जी मेरे पैरों में भी काफी दर्द रहता है पूरे शरीर में। चिंता ना करो बेटा, जो उपाय दिए गए हैं पूरे शरीर में लाभ होगा बेटा। चलेहू नाई सिरु पैठू बागा, फल खाए सी तरु तोरे लागा, रहे तहा बहु भट रखवारे, कहूं मारे सी कछु जाई पुकारे। वे सीता जी को सिर नवाकर चले और बाग में घुसकर गए, फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहां बहुत से योद्धा रखवाले थे, उनमें से कुछ को तो मार डाला और कुछ ने जाकर रावण से जाके पुकार करी, त्राही माम त्राही माम त्राही माम किया। तो प्रिय दर्शकों चलते चलते माँ देवी के चरणों में थोड़े पुष्प अर्पण करेंगे, उनका धन्यवाद करेंगे, क्योंकि उनकी कृपा के बिना ये कार्यक्रम और मेरे द्वारा बोला कोई शब्द संभव नहीं है। तो उनके चरणों में आप सब की तरफ से पुष्पम समर्पयामि। अब श्री राम जी के की कृपा को प्राप्त करते हैं और हनुमान जी को प्रसन्न करेंगे कि हनुमान जी आप अपनी कृपा हम पर और सब भक्तों पर बनाए रखें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बेटा बड़े प्रेम से तीन बार बोलिए हरिओम हरिओम हरिओम। प्रभु दरबार भक्ति ज्ञान और सेवा का मार्ग।